में उसकी स्पीड रिड्यूस करते करते जो समय निकलेगा वो लगभग 17 मिनट और 21 सेकंड तक होगा। तो ये 17 मिनट्स ऑफ टेरर जिसको उस प्रकार की जो हमारे लिए क्रिटिकल हो या भयावह कह सकते हैं, इसमें कोई भी गलती की संभावना भी रहती है। स्पेस आखिर रिस्की बिजनेस है। तेईस अगस्त को 30 किलोमीटर की हाइट से वो लैंडर नीचे उतरने का प्रयास करेगा। और उसकी जो वेलोसिटी होगी 30 किलोमीटर की हाइट पे वो लगभग 1.68 किलोमीटर पर सेकंड, जो काफी गति मानी जाती है, स्पीड मानी जाती है, उससे वो नीचे की ओर प्रयाण करेगा। और जैसा कि आपको पता है चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको नीचे की ओर खींचेगा। तो उसके बाद वो इसलिए हमको जो थ्रस्टर इंजन है उसको रेट्रोफायर करना पड़ेगा, जिससे कि उसकी स्पीड कम होती जाए और धीरे धीरे जब चंद्र की सतह पर पहुंचेगा तब लगभग जीरो स्पीड हो जाएगी उसकी। तो उसके लिए हमको इंजन थ्रस्टर फायर करेंगे। तो ऐसे चार थ्रस्टर इंजन हमने लगाए हुए हैं लैंडर मॉड्यूल में। तो पहले 30 किलोमीटर से वो 7.5 किलोमीटर पे आएगा, वहां से 6.8 किलोमीटर पे आएगा। उसके बाद वो दो इंजन हम बंद कर देंगे और फिर दो इंजन से ही नीचे की ओर प्रयाण करेगा, जो दो इंजन उसको रिवर्स थ्रस्ट देंगे, जिसके कारण जैसे कि मैंने बताया जब 30 किलोमीटर पे था उसकी गति 1.68 किलोमीटर पर सेकंड थी, वो 6.8 किलोमीटर तक आते आते 350 मीटर पर सेकंड तक हो जाएगी, यानी कि चार गुना कम हो जाएगी। उसी तरह वो 6.8 किलोमीटर से फिर 800 मीटर तक आएगा और तब लगभग उसकी स्पीड जो है वो जीरो मीटर पर सेकंड जैसी हो जाएगी। और उसके बाद सीधे 150 मीटर तक नीचे प्रयाण करेगा, जिसको वर्टिकल डिसेंट बोलते हैं। और उसके बाद अन्य जो हमने सेंसर और कैमरा लगाया है उसके इनपुट लेके और उसमें जो रेफरेंस डेटा स्टोर किया गया है, रेफरेंस इमेजेस, उससे उसको कंपेयर करके वो डिसाइड करेगा, वो निश्चित करेगा कि वो जो जगह पे लैंडर खड़ा है वहां पे घूम रहा है वह उसके सीधा नीचे उतरने से वो सही जगह पे लैंडिंग कर पाएगा। अगर उसको लगता है कि ये जगह अनुकूल नहीं है तो थोड़ा एक्स वाई डायरेक्शन में प्रयाण करेगा, थोड़ा दाईं ओर या बाईं ओर मुड़ेगा और लगभग 60 मीटर तक जाएगा और उसके बाद सीधा नीचे प्रयाण करेगा। ये पूरा जो मैंने प्रक्रिया बताई 30 किलोमीटर से नीचे उतरने पहले 7.5, 6.8, फिर 800 मीटर, 800 मीटर से 150 मीटर, फिर 150 मीटर से 30 मीटर और 10 मीटर और फिर नीचे की ओर प्रयाण करके चंद्र की सतह पर उतरना, तो ये पूरा उसमें उसकी स्पीड रिड्यूस करते करते जो समय निकलेगा वो लगभग 17 मिनट और 21 सेकंड तक होगा, जो मिनिमम टाइम है। और जो मैक्सिमम टाइम है जैसे कि मैंने बताया थोड़ा खिसक के उतरना पड़ेगा तो 17 मिनट और 32 सेकंड लगेंगे। तो ये 17 मिनट्स ऑफ टेरर जिसको बोलते हैं, उस प्रकार की जो हमारे लिए क्रिटिकल हो या भयावह कह सकते हैं वो है, क्योंकि उसमें कोई भी गलती की संभावना भी रहती है। जैसा कि आपको पता है कि यहां बैठे बैठे हम पूरा वो कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं लैंडर को नीचे उतारने का, तो उसमें कहीं अगर कुछ त्रुटि रह गई हो, जो कि ऐसी संभावना काफी कम है, बट फिर भी स्पेस आखिर रिस्की बिजनेस है, तो उसमें कुछ हम कह नहीं सकते। कोई भी सिस्टम में अगर माल फंक्शनिंग होता है या कुछ और प्रॉब्लम डेवलप होता है, बट इस बार हमने ये ध्यान रखा है कि हमारा जो डिजाइन है वो पूरा फेलियर को ध्यान में रखी किया गया है। कि जनरली हम डिजाइन करते हैं कि सक्सेस कैसे मिले, कि सफलता कैसे मिले, बट इस बार हमने यह ध्यान रखा है कि अगर निष्फलता के कोई संभावना रहती है तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए, उसको कैसे पार करके हम फिर भी सफल हो पाए, इसी
कड़ी क्षणों में भी हम प्रशिक्षण से पार उतरे, तो उसकी संभावना को देखते हुए डिजाइन किया गया है।